ये लो। इतने सारे न्यूज़पेपर्स? तुम हमारा निकाह एक महीने में करवाने वाले हो, इसकी खबर अखबारों में भी छप गई क्या? इतने गौर से क्या लिख रहे हो? दिखा? नहीं, नहीं। हम ये रिश्ता नहीं ढूंढ रहे। लड़की के रिश्ते में जो इश्तिहार होता है उसमें क्या क्या खूबियां लिखी जाती है वो हम पढ़ रहे थे। खूबियां? सरा हमें भी तो दिखाओ कि क्या क्या खूबियां हमें। कोई जरूरत नहीं, क्यों देखना है तुम्हें? तुम हमारे बारे में लिख रहे हो और हमें नहीं दिखा रहे हो। जनाब, हमारी इजाजत के बगैर ना आप हमारे बारे में कुछ भी नहीं लिख सकते, समझे? तो दिखाइए हमें। तुम्हारे आने से पहले हम कितनी तसल्ली से लिख रहे थे, तकलीफ नहीं हुई थी हमें। अब तुम आ गई हो तो बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है हमें। सुनो, जब तुम्हारे लिए रिश्ता आएगा ना तो अब ये हाँ या ना सवाल करना, तब तक कुछ नहीं। लेकिन कुछ नहीं। अरे अरे काजी साहब, आप यहाँ? ए ए सुनो, अरे हम भी तो पढ़ के देखिए शहर काजी साहब ने हमारे बारे में क्या लिखा है। वापस आओ। अरे एक सेकंड हमें पढ़ने दो। एक खूबसूरत, शुक्रिया, खुश मिजाज, दीन दुनिया की जिम्मेदारियों से वाकिफ लड़की के लिए रिश्ता दरकार है। लड़का तालीम याफ्ता और बरसरे रोजगार होना चाहिए। कबीर, ये कबीर, तुम हमारे लिए रिश्ता ढूंढ रहे हो या किसी को नौकरी पे रख रहे हो, ये क्या है? चुप हो जाओ, वहां जाके खड़ी हो। क्यों? वहां जाके खड़ी हो जाओ। लेकिन कबीर, जैसा हम कह रहे हैं। कबीर, हम बच्चे थोड़े ना है जो तुम हमें फिरदौस या जैद की तरह सजा दे रहे हो। जारा ने हमारा बहुत नुकसान किया है, हमारे और कबीर के रिश्ते को खत्म कर दिया उसने। उस जारा को हम ऐसी सजा देंगे कि वो 7 जन्मों तक याद रखेगी। कबीर शादी करवाना चाहता है ना उसकी, वो 1,00,000 कोशिश कर ले, लेकिन हम उसकी शादी किसी अच्छे लड़के से नहीं होने देंगे। हमें एक ऐसी चाल चलनी होगी कि उसकी शादी एक ऐसे घर में हो जहां उसकी जिंदगी जहन्नुम हो जाए, जहन्नुम। लेकिन ऐसा करने के लिए हमें उन पर नजर रखनी होगी 24 घंटे। अबू, नजर कैसे रखेंगे? वो दोनों हम में से किसी एक को अपने करीब भी नहीं आने देते। हम हैं तो क्या गम है? हम ऑलरेडी उनके बहुत करीब हैं। हम रखेंगे ना उन पे नजर। हाँ, ये हुआ। खेलने को किसने कहा? था जवाब, हमारी गलती था। सॉरी, हमने जानबूझ के नहीं किया। चुप होके वहां खड़ी रहो और कुछ नहीं करना, तुम्हें सिर्फ चुप होना है। अपना ये प्यारा सा चेहरा ना ऊपर करो ना थोड़ा सा। कबीर, तुम हमें पुलिस सर्विस थोड़ी ना ज्वाइन करवा रहे हो। अगर 1-2 सेंटीमीटर ऊपर नीचे हो भी गया तो क्या फर्क पड़ता है?
आलिम दीन है हम, झूठ बोल ही नहीं सकते। इस यार में तुम्हारे ताल्लुक से कोई भी गलत डिटेल नहीं छपेगी, एक सेकंड रुको। तो था और ये हो गया, अब आओ हमारे साथ। चलो खड़े हो जाओ। उसपे नीचे उतर सकती हो। वैसे कबीर, हमारे इश्तेहार में ना 1-2 किलो वजन कम करके लिखना, क्योंकि वैसे भी अगर तुम सब कुछ सच ही लिखोगे तो कोई भी हमसे निकाह करने के लिए नहीं आएगा, और उसके बाद मायूस भी तुम ही होगे। हमारी फिक्र करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम लिख रहे ना यार, हमें लिखने दो ना। अच्छा, और अब सर ने बताओ तुम्हारा। हमारा सर ने जारा खान, खान शेख, पठान, अहमद। मजाक कर रहे हैं कबीर, क्या फर्क पड़ता है कबीर? और वैसे भी जो लोग सड़क से उठ के आए हो ना, उनके सरनेम से तो वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। कबीर, अगर तुम हमारा ये जरूरते इश्तेहार पढ़कर अगर कोई आ भी गया ना, हमारा सच सुन के भाग जाएगा। नहीं भागेगा, हम ऐसा लड़का ढूंढेंगे जो नहीं भागेगा। हम हैं ना कबीर मियां, और हम इसमें आपकी मदद करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम काला जान। एक तरकीब है हमारे पास। बोलिए। आप ना हमारी जारा की प्यारी सी तस्वीर खिंचवाइए और उसकी बहुत सारी कॉपीज बनवा दीजिए और हमें दे दीजिए। हम ना वही तस्वीर इद्दन नाउन को दे देंगे। अरे रिश्ते लगाने में बहुत माहिर है वो, एक से एक अच्छी घरों में उनकी जान पहचान है। देख लीजिएगा, कोई ना कोई बेहतरीन रिश्ता लेके आ जाएंगे वो, देख लीजिएगा। नहीं नहीं, इद्दन नाउन नहीं, हमें वो सही नहीं लगता है। क्यों? हम जारा की शादी लखनऊ में कराना ही नहीं चाहते, आसपास के शहरों में भी नहीं, मतलब इलाहाबाद नहीं, गोरखपुर नहीं, कानपुर बिल्कुल नहीं। पर कबीर मियां, लखनऊ में क्या बुराई है? बुराई कबीर मियां, आप रिश्ते ना ऊपर अल्लाह बनाता है। बिल्कुल। और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी जारा का रिश्ता ना यहीं लखनऊ में होगा, और हमारा दिल कहता है इसका निकाह बड़े धूमधाम से होगा और हमारे किसी जान पहचान वाले से ही होगी। हम आपसे बात कर सकते हैं एक सेकंड? तो असल में खाला जान, बस थोड़ा और करीब ना, और अच्छे से सुनाई देगा, दूर जाओ ना यार, हम उनसे बात करना चाहते जरा। जा बेटा, जाओ जाओ। असल में हम जारा की शादी हिंदुस्तान में नहीं, किसी और मुल्क में कराना चाहते हैं। खालाजान, जलाली, शहबाज जैसे शैतान जितना दूर जारा से रहेंगे ना, उतना महफूज वो रहेगी। सर जी, माफ नहीं सके, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, हमें उठाना पड़ेगा, हम बस अभी आते हैं। ये इसे साइड में कर दे। क्या करें हम बेटा, वो तो तुम्हें देश निकाला देने के लिए तैयार खड़ा है। हमने सोचा था कि मिद्दन को बहला फुसला के 2% जवाब ले लेंगे कि तुम्हारे लिए रिश्ता ढंग का मिला ही नहीं, और फिर मेरे मन की मुराद पूरी हो जाएगी बेटा, पर यहाँ तो कहानी उल्टी है। क्या करें हम? कोई बात नहीं खाला जान, आप हमारे लिए बिल्कुल भी परेशान मत होइए। देखते हैं कि हमारी किस्मत हमें कहाँ ले जाती है। उम्मीदी का दामन मत छोड़ना। बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। नहीं नहीं, कामरान साहब ने अगर नंबर दिया होगा तो कुछ सोच समझ के दिया होगा। असल में जनाब, मसला ये है कि हम जारा का जो रिश्ता है, हम उसकी शादी लखनऊ में कराना ही नहीं चाहते। हाँ, हमें कोई एतराज नहीं, कोई और मुल्क होगा चलेगा। जनाब, आप एक बार हाँ तो कहकर देखिए,
सारी तैयारियां हो चुकी है, 3 दिन में निकाह कर देंगे हम। फोटो भेजने की क्या जरूरत है, आप घर पे आके मिल लीजिए, जैसे आप कहें। नहीं, हम भेजते फोटोज, हम भेजते। जरूर जरूर, अल्लाह हाफिज़। माशाल्लाह, एक इल्जाम क्या लगाया, कबीर के दिल में तूफान उठ गया। बेचारा सारा की शादी कराने के लिए क्या क्या कर रहा है। करना तो पड़ेगा ना खालाजान। जारा, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, वो तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुमने सख्ती से मना कर देती ना, ये सब नहीं होता, ये सब यहीं थम जाता। तुम्हारी ये शादी करवाने की मुहिम में ना हमें तुम्हारा साथ देना पड़ रहा है। अगर कल को तुम्हारी ये शादी ना सच में हो गई ना, तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। खालाजान, अब आप उम्मीद छोड़ रहे हैं, जबकि आप ही ने हमें सिखाया कि ना उम्मीदी सबसे बड़ा गुनाह है। सिखाया था कि नहीं? जानते हैं, हम जानते हैं कि ना उम्मीदी सबसे बड़ा गुनाह है। जबरदस्ती खुद को मुसीबत में डाल कर अपना जहनी सुकून खोना, ये कहाँ की अकलमंदी है सारा। तुम्हें ना कबीर मियाँ को ये शादी वादी की मंजूरी देनी ही नहीं चाहिए थी। मंजूरी नहीं देते तो कैसे पता चलता कि कबीर हमारी इतनी कदर इतनी फिक्र करता है। वो नहीं चाहता कि फिर से कोई जलाली जैसा इंसान कभी भी हम पर कीचड़ उछाले। कबीर ने खुद कहा कि वो हमें दूर नहीं भेजेगा, लेकिन हमारी ही खातिर हमें दूर भेज रहा है। तो ये फिक्र नहीं तो और क्या है खाला जान? ऊपर वाला तो बहुत ताकतवर है ना, वो तो कुछ भी कर सकता है। हाँ बेटा, अल्लाह चाहे ना तो पत्थर की छाती पे भी फूल खिला सकता है। खालाजान, अगर अल्लाह ये कर सकता है तो फिर कबीर के दिल में हमारे लिए फिक्र की जगह मोहब्बत तब्दील क्यों नहीं कर सकता? जरूर कर सकता है बेटा। सारा, मोहब्बत के ना कई रंग होते हैं। एक प्यार वैसा होता है जो पहली नजर में हो जाता है, जैसा कशान को जीनत से हो गया। उसने किसी मौके पे जीनत को देखा और उसने आके अपनी अम्मी से बताया, आयशा बहन से बताया, तो फिर दोनों का निकाह करवा दिया गया। एक प्यार शादी के बाद होता है, जैसे हमारा हुआ, हमारा और काजी साहब का, और आज भी बकायदा वो मोहब्बत ना वैसे ही बरकरार है। एक प्यार वो होता है जो प्यार नहीं होता, लेकिन बस लोग धूम करते हैं, दिखावा करते हैं। रुखसार, कुछ लोगों की मोहब्बत ना मुकम्मल नहीं होती, क्योंकि वो अपने दिल की बात जुबान तक नहीं ला पाते। सच्ची मोहब्बत बहुत इम्तिहान लेती है बेटा। एक सेकंड, आपके लिए पानी लाते हैं, ये लीजिए। सारा, ऐसे लोगों को ये भी नहीं पता कि उनकी मोहब्बत कभी मुकम्मल होगी या नहीं होगी। उनकी जिंदगी में मायूसी और नाउम्मीदी छा जाती है। हमें तो लगता है बेटा कि इस मोहब्बत का रंग ना तुम्हारी मोहब्बत जैसा है। अल्लाह जाने तुम्हारे ख्वाबों की ताबीर कब पूरी होगी। खाला जान, हम अपनी इस मोहब्बत के लिए ना पूरी जिंदगी इंतजार कर सकते हैं। अगर हमारी आखिरी सांस के आखिरी पल में भी हमें कबीर हासिल हो जाए ना, तो हम खुद को सबसे खुश नसीब इंसान मानेंगे इस दुनिया के। पर होगा कैसे बेटा, बताओ जरा, जो 30 दिन की तलवार तुम्हारे सर पे लटकी हुई है ना, कैसे होगा? आपने अभी जो हमें ये मोहब्बत की जो ये किस्में बताई हैं, इनमें से कोई एक भी मोहब्बत ऐसी नहीं है जो वक्त की पाबंद हो। हो सकता है कि हमारी ये जो 1 महीने की मोहलत है, ये हमारी पूरी दुनिया ही बदल दे, मोहब्बत की एक नई दास्तां ही लिख दे। अल्लाह तुम्हारी तमन्ना जरूर पूरी करेगा बेटा, तुम्हें कामयाबी अता फरमाए। कौन? हमें। जी कहिए, क्या चाहिए? फोटो। फोटो किसकी? पड़ोसी की। हमारी फोटो कहाँ लगानी है? लगानी नहीं है, भेजनी है किसी को। कबीर भैया इधर आइए। जी
हमें सच में भेजनी है, लगानी बगानी नहीं। ये लीजिए शहर काजी साहब, इसमें सारी फोटोज हैं, आपको जो पसंद आए आप चूज कर लीजिए। ठीक है। नहीं ये नहीं, ये भी नहीं। जरा हर फोटो में कोई ना कोई तुम्हारे साथ है, ऐसा कोई भी फोटो नहीं जिसमें तुम अकेली हो। कभी अकेले फोटो ही नहीं खिंचवाई। ऐसी कौन सी फोटो मिल गई आपको जिसकी वजह से आपकी नजर नहीं हट रही, दिखाइए हमें। अच्छी है ये वाली, लेकिन मसला ये है कि इसमें भी ज़ारा अकेली नहीं दिखे। एक आइडिया है हमारे पास। कभी नहीं। ये क्या कर रहे हैं आप? कितनी बेहतरीन जोड़ी लग रही है ना, आप इस पे क्या चीज चलाना चाहते हैं? मगर फोटो तो चाहिए हमें। कबीर मियां, आपको भले फिक्र हो ना हो, लेकिन इस फोटो को हम यादगार बना के रखना चाहते हैं अपने पास। तो फोटो का क्या करें हम, जो सारा की चाहिए थी हमें? इतनी आसान सी बात है कबीर मियां, सारा से कहिए ना कि वो आपके सामने अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आए और आप अपने मोबाइल से उसकी फोटो खींचिए। ठीक है, हम आते। बाकी कितनी हसीन जोड़ी है, ये फोटो हम किसी को नहीं देंगे बेटा, इसे फ्रेम करवा के हम अपने कमरे में लगाएंगे। इमरान मियां, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम कबीर मियां, बोलो। सुनो, असल में ना तुम्हारी जरूरत है, क्या तुम घर आ सकते हो? कुछ जरूरी काम है। हाँ बोलो, क्या? फोटो खींचना है। सुनो, तुम इस काम में माहिर हो इसलिए हम तुम्हें बुला रहे। अच्छा, बहुत गलत टाइम पे फोन कर दिया कबीर मियां, हम तो यहाँ कानपुर आए हुए हैं, पर शाम तक पहुंच जाएंगे। वैसे फोटो किसका खींचना है? ज़ारा। अच्छा अच्छा, हाँ, और तुम तो फोटो ले पाओगे नहीं। ठीक है, हम अपने फोटोग्राफर दोस्त से बात करते हैं। ठीक है अजरा, तुम यहाँ कब आई और रुखसार के कमरे में क्या कर रही थी? एक सेकंड होल्ड करो, बोलो। कबीर, हेलो कबीर। हाँ। अच्छा, हमने अपने दोस्त से बात कर लिया, वो शाम तक घर पहुंच जाएगा। ठीक है यार, शाम तक हम इंतजार नहीं कर सकते, ज़ारा की तस्वीर खींचनी हमको। ठीक है छोड़ो, हम कुछ इंतजाम करेंगे। अच्छा ठीक है। हम ज़ारा से मिलने आए थे, फिर रुखसार ने हमें बुला लिया। दरअसल बात ये, उसको हमारी एक ड्रेस बहुत पसंद आ गई थी, फिर वो बोलती है उसे सेम ड्रेस चाहिए। क्या बातें कर रहे हैं, तुम्हें ज़ारा की तस्वीर खिंचवानी है तो हम खींच देंगे ना, फिर उसके बाद तुम उसे मेल कर देना स्टूडियो में और 10 मिनट में फोटो मिल जाएगी। 10 मिनट? कबीर मियां, फोन कर दे। ज़ारा तुम, अल्लाह, शादी के लिए फोटो खिंचवानी है, थोड़े अच्छे कपड़े तो पहन लेती। अच्छे, अच्छे कपड़ों में कौन पसंद करेगा बताओ? अरे अच्छे खासे कपड़े तो पहने हैं उसने, क्या बुराई है इन कपड़ों में बताओ? हाँ, हम ऐसे तो कपड़े पहनते हैं, जैसे दिखते हैं वैसे ही तो लगेंगे ना। हाँ जरा, कुछ लोगों पे सादगी ही अच्छी लगती है। अब कभी मियां बिल्कुल ठीक फरमा रहे, किसी फूल को ना मेकअप शेकअप की जरूरत ही नहीं होती, बिल्कुल बहुत अच्छी लग रही है हमारी साथ। हेलो, हाँ हाँ, कमलान साहब ने आपको नंबर दिया। जी बिल्कुल आइए, अल्लाह हाफिज़। भाई कबीर मियां ने इतनी तारीफ कर दी तो हमें तो लग रहा है कि
हमारी बिटिया को नजर न लग जाए, इसलिए बस नजर का काला टीका लगा देते हैं। वैसे खालाजान, तारीफ की है हमने, लेकिन हमने सच ही तो कहा है। अक्सर सादगी में कुछ कशिश है जो और कहीं नहीं मिलती। देखिए, फिर तारीफ कर दी आपने, आज तो आप तारीफ पे तारीफ ही किए जा रहे हैं। माशाल्लाह, हमें तो लग रहा है आज आप जरूर नजर लगा के दम लेंगे। आप हमारी जारा है ही इतनी खूबसूरत, जो भी देखेगा ना एक नजर में पसंद कर लेगा। ये दुआ है हमारे आमिर साहब हमारे जारा को देखने के लिए। इंशाल्लाह अगर वो जारा को पसंद कर लेंगे तो जारा का निकाह बहुत जल्द हो जाएगा।